देखिए कांग्रेसी नेताओं के कुकर्म कोई जग जाहिर हैं, ये तो कोई छुपे हुए नहीं है। एक वो यूथ कांग्रेस का लीडर था जिसने तंदूर कांड किया था कुछ वर्ष पूर्व, आप याद है आपको, वो तंदूर कांड दिल्ली के अंदर ही हुआ था। उसने तो उस लड़की को न सिर्फ फंसाया और नृशंस तरीके से मारा बल्कि टुकड़े टुकड़े करके तंदूर में भून दिया था। कांग्रेसी नेताओं के कुकर्म, 84 के जो सिख नरसंहार हुआ था दिल्ली के अंदर, वो किसने नहीं देखा था? सबको पता है, अभी भी वो केस अनजस्टिफाइड है, मतलब जजमेंट नहीं हुआ अभी उसका। आप देखिए कि ये जो, और एक नहीं है ये, अनगिनत है। मैं कहता हूँ कि गहन जांच होनी चाहिए और जो दोषी है वास्तव में, ये जो दोषी के जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो करके, और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ नेचुरली देखिए पहचान तो होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि आजकल क्राइम की सिचुएशन, आतंकवाद की घटनाएं और जो जिहादी जो अतिवाद है वो भी चरम पर है। मैं कहना चाहता हूँ देखिए कि जो गरबा या डांडिया के जो आयोजन हैं, माँ दुर्गा की पूजा का पांडाल हो या नवरात्रि का कोई उत्सव, ये सारे के सारे आस्था, विश्वास, साधना और समर्पण के उत्सव हैं। और यहाँ पर जो है वो जो आस्थावान लोग हैं वो अपनी माता की जो है आराधना करने के लिए जाते हैं। तो आराधना और आस्था के इस स्तंभ पर जो अनास्थावान लोग हैं उनकी एंट्री क्यों होनी चाहिए? ये कोई आयोजन कोई एंटरटेनमेंट का नहीं है, पर्यटन का भी कोई साधन नहीं है। तो इसलिए आस्था के आयोजन को आस्थावान लोगों तक ही सीमित रखा जाए तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि पहले भी अनेक बार देखा गया है कि लफ्ज जिहाद की घटना हो, महिलाओं के उत्पीड़न की घटना हो, महिलाओं के ऊपर अत्याचार की घटना हो, छेड़छाड़ की घटना हो, या उस माहौल को ख़राब करने का जो षड्यंत्र है वो अनेक बार देखने को मिला है। इसीलिए समाज में अब चेतना जागी है कि अब हमें बिना जो अनास्थावान लोग हैं या जो सिर्फ अपनी विशेष माइंडसेट से आते हैं, उन सबको रोकना बहुत ज़रूरी है।